नमस्कार, मैं दिनेश प्रजापत स्वागत करता हूँ आज की ऑनलाइन क्लास में आपका। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रोमन नंबर्स। हम जो नंबर सिस्टम पढ़ते आए हैं अभी तक उसे हम हिंदू अरेबिक न्यूमरस नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसको हम नॉर्मली जो पढ़ते आए हैं 1, 2, 3, 4 ये सब जो है ये हिंदू अरेबिक न्यूमरस नंबर्स में आते हैं। और रोमन नंबर्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुए थे, रोम से, जो कि लेटिन भाषा के अल्फाबेट से लिए गए थे। हम धीरे धीरे जैसे जैसे देखते जाते हैं हमारे डेली लाइफ में भी हमें बहुत सारी जगह ये देखने को मिलता है। आप ज्यादातर घड़ियों में देखेंगे, घर की घड़ी में देखेंगे तो वहां भी जो नंबर्स लिखे मिलेंगे आपको वो रोमन न्यूमरल्स ही मिलेंगे, जो रोमन नंबर्स होते हैं, है ना, जो अल्फाबेट्स की तरह दिखते हैं। धीरे 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 ये बहुत सारी जगह फैलते गए, पूरे विश्व में आप लगभग ये चलन में है। अब हम देखते हैं रोमन नंबर्स मतलब क्या है ना। रोमन नंबर्स हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। पहले मैं आपको अपना जो सिस्टम है नॉर्मल वो बता देता हूँ, फिर इसके जो रूल्स होते हैं वो बता दूंगा। बेसिक रूल ये है कि हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे,
इधर चलेंगे सीधे हाथ की तरफ। इधर कितना चल सकते हैं हम? दो स्टेप। कितना चल सकते हैं? सॉरी, तीन स्टेप चल सकते हैं आप, तीन स्टेप। जैसे कि ये वन टू थ्री, ये तो हो गया आपका थर्ड। तो इसमें हम सिर्फ दो स्टेप चल सकते हैं क्योंकि ये पहला नंबर था अपना, है ना। अब जैसे आपको चार को दर्शाना है, आप तीन चीजें एक साथ लिख सकते हैं, इसके बाद रिपीट नहीं कर सकते। मतलब ये आई आई आई, अगर आपको फोर को रिप्रेजेंट करना है, चार को बताना है, तो आप इसको आई 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 नहीं लिख सकते। एक नंबर एक अल्फाबेट को हम ज्यादा से ज्यादा तीन बार यूज कर सकते हैं, वो भी राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब बात करते हैं अपन फोर की, तो हम इसको तो थ्री यहां तक लिख सकते हैं, अब इसकी हेल्प से हम फोर नहीं लिख सकते थे, इसलिए हम इसकी हेल्प लेंगे फाइव की। इसकी हेल्प ली फाइव, ये तो मैंने आपका फाइव लिख दिया, बट अगर मुझे सिक्स लिखना है तो मैं इधर एक प्लस कर सकता हूं, एक प्लस कर सकता हूं। सेवन लिखना है तो मैंने ये प्लस कर दिया, एट लिखना है तो मैंने ये प्लस कर दिया, ठीक है। ये आपके क्या होते जा रहे हैं, सिक्स सेवन एट, जैसे कि हमने भी यहाँ पे क्लास सिक्स लिखा था तो फाइव प्लस वन सिक्स, बट हमें फोर लिखना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्लस नहीं करना है, माइनस करना है। माइनस के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, किधर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और हमें लिखना है फोर। तो फोर किसकी हेल्प से लिखेंगे हम, फाइव की हेल्प से लिखेंगे, बट फाइव में से हम एक माइनस कर दिया हमने, तो वो लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। और ये ध्यान रखना है कि माइनस करने में हम सिर्फ एक प्लेस को ही यूज कर सकते हैं, जैसे राइट हैंड साइड में तीन तीन प्लेस यूज करना ना, ऐसे इधर नहीं कर सकते, इधर सिर्फ हमको एक स्थान को ही चूज करना है ना। तो अब मैं बता दूं आपको, ये आपका फोर हो गया, अब इधर तो प्लस करने में आप कर सकते हैं, ये सिक्स हो गया, ये आपका सेवन हो गया, ये आपका एक दो तीन, वन टू थ्री, ये एट हो गया, ये टेन आपका अट्ठाईस है पहले से, ये टेन हो गया। और अब अगर मुझे नाइन लिखना है तो मैं इसको और आगे नहीं बढ़ा सकता, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यहाँ नहीं कर सकता, इसलिए हमको वापस क्या करना पड़ेगा, टेन की हेल्प से नाइन बनाएंगे, तो टेन में से वन माइनस हुआ तो वो नाइन हो गया, ओके। ऐसे ही आप बड़ी बड़ी डिजिट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। एक डिफरेंट नंबर मैं आपको देता हूँ जो आपको बनाने में थोड़ा सा मजा आएगा, देखें जैसे मैंने लिख दिया 62, क्या लिखा है 62, तो आप इसमें किसकी हेल्प कर सकते हैं, इसको तीन बार से ज्यादा नहीं लिख सकते, इसको तीन बार से ज्यादा नहीं लिख सकते, इसको तीन बार से ज्यादा नहीं लिख सकते, इसको तीन बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका है 50, क्या है 50, तो ये मैंने इसका लिख दिया 62 का एल, ये है आपके पास 50 आ गया। अब आपके पास क्या बचा, हम 62 को खाली कितने फैक्टर में तोड़ सकते हैं, या 50 10 एंड 2, 50 10 एंड 2, क्योंकि हमारे पास ये जो फॉर्मूले हैं इन्हीं के बेस पे आपको सॉल्व करना है, ए 5 10 ए 5 10 50 100 500 1000, ये आपका 50 हो गया। अब इसमें आपको क्या प्लस करना है, 10 प्लस करना है, 10 है आपका x, then 2, तो 2 किसकी हेल्प से बनेगा आपका, 1 एंड 1, समझ गए। ये मैंने बता दिया आपको 62 को किस तरह से लिखा जा सकता है। अगर मुझे एक और डिफिकल्ट चीज लिखनी है, जैसे कि मुझे लिखना है 85, क्या लिखना है 85, तो 80 को पहले तो हम ब्रेक करते हैं, सबसे बड़ी संख्या किसमें ब्रेक कर सकते हैं हम इसको, 50, है ना, 50 के बाद हम इसको 10 10 से तोड़ते हैं, 10 10 10, ये तीन बार लिख दिया मैंने, इसके बाद क्या बचा आपके पास, 5, ठीक। तो अगर 85 को रोमन में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, एल मतलब 50
आपका 80 और 80 और 5 85, ये आपका हो गया 85। समझ गए? और एक और बड़ा नंबर लिख के लिखते हैं, ठीक है? थोड़ा सा एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मैंने लिख दिया 93। यहां सोचने में मजबूर होना पड़ेगा आपको, यार ये 93 लिखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50 10 10 10 10 3, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि चार बार आप 10 10 कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक नंबर्स को तीन बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए आप 93 लिखना है तो हम 50 से भी बड़े नंबर्स पे जाएंगे, इट मीन्स सी 100। ओके, 93 को लिखना है आपको, ये सी लिख दिया 100, ठीक, पर ये तो 100 है, आपको क्या करना है, आपको इसमें से 7 माइनस करना है, माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे उसको राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में, तो 7 लिखना है आपको, 5 7, ये आपका हो गया 93। ओके, इससे बड़ा नंबर्स आपको करना है, एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 158 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए आपको पहले स्टार्ट करना है 100 से 50 देन 8 लिखना है, तो इसके टुकड़े करेंगे तो हम 100 प्लस 50 प्लस 5 प्लस 3, 100 प्लस 50 प्लस 5 प्लस 3, इस 3 को 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 111, इसलिए यहां मैंने लिख दिया 100 प्लस 50 प्लस 5 प्लस, इस तरह से आप इसको 158 को लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और बताऊंगा इससे थोड़ा बड़ा, देन आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं जो मैं आपको पीडीएफ में सेंड करूंगा या स्क्रीनशॉट लेके आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। ओके, अब एक और मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, 600 कहीं मेंशन हो सकता है इसमें, नहीं हो रहा है। ओके, तो क्या करेंगे आप, इसका टुकड़ा करने हैं तो ये आपका इससे करीबी नंबर, तो इसके फैक्टर करें पहले तो आप, तो इसको क्या करेंगे 500 प्लस, इसके बाद हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो देन अब बचा आपके पास 81, तो जैसे मैंने यहाँ 85 बताया था वैसे इसके फैक्टर कर दो आप, करेंगे 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 10 प्लस 1। ओके, अब इस नंबर को आप रोमन से लिखेंगे तो 500 स्टार्ट हुआ आपका, डी से 100 आया आपका, सी से 50 आया, एल से, और ये आपके 10 प्लस 10 प्लस 10 एंड देन लास्ट 1, ये हो गया आपका 681। इस तरह से आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। ओके, ओके, ये 20 क्वेश्चंस हैं, ये 20 क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, और कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट करें, मैं आपको नए वीडियो में और भी आपको और डीपली एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, रोमन नंबर्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, बाकी ये क्वेश्चन जरूर आपको सॉल्व करना है। अगर ये वीडियो समझ में आया, आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।